Welcome, dear students. Today we are going to discuss about pharmacology. Pharmacology has been derived from a Greek word pharmakon. Pharmakon means drug, or we can say medicine. And logic means study. In simply, in pharmacology, what we are doing, we are just doing study of drugs. तो अगर हम डिफाइन करेंगे फार्मोकोलॉजी को फार्मोकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग तो इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग को फर्स्ट क्या करते हैं हम एक ड्रग को हम स्टडी करते हैं देन जो ड्रग है ड्रग का इफेक्ट ऑन बॉडी जो ही एक पेशेंट को हम कोई ड्रग देते हैं तो उस ड्रग का इफेक्ट हमें स्टडी करना पड़ता है क्या इफेक्ट रहेगा इस ड्रग के ड्रग का ऑन द बॉडी एंड बॉडी इज रेस्पॉन्स टू ड्रग तो जो ही किसी पेशेंट को हमने ड्रग दिया एक तो ड्रग का इफेक्ट क्या रहेगा एंड दैट इज बॉडी क्या रेस्पॉन्स करेगी उस ड्रग को ठीक है ये सारा हम पढ़ते हैं किसमें फार्मोकोलॉजी में दैट्स वाई फार्मोकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रेस्पॉन्स टू ड्रग ओके तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ड्रग क्या होता है तो ड्रग एनी एजेंट विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस ड्रग एक कोई भी सबस्टेंस हो सकता है कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है जिसको हम यूज करते हैं फर्स्ट कहां पे डायग्नोसिस में तो अगर एक्सरे करेंगे किसी पेशेंट को किसी पेशेंट को अगर हमें एक्सरे करना पड़ेगा तो एट द टाइम हम वहां पे मेडिसन और ड्रग्स का यूज करते हैं ठीक है एनदर दैट इज ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में भी हम ड्रग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स तो एग्जाम्पल यहां पे है हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं ठीक है ठीके? ना पेंसिलिन है तो वो भी एक ड्रग है तो ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं ड्रग को एंड अनदर दैट इज प्रिवेंशन प्रिवेंशन में भी यूज करते हैं ड्रग्स को फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन भी क्या होते हैं ये भी ड्रग ही होता है तो जो हम यूज करते हैं प्रिवेंशन में सो इन सिंपली ड्रग एनी एजेंट विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्लियर नाउ ड्रग्स इफेक्ट ड्रग्स इफेक्ट को जानने के लिए एक टर्म है यहां पे एक मेडिकल टर्म है तो जिसको हम कहते हैं फॉर्म को डायनामिक्स ठीक है फॉर्म को डायनामिक्स सिंपली आ, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है इन सिंपली आपको याद क्या रखना है फॉर्म को डायनामिक्स क्या होता है ड्रग्स इफेक्ट वट डज ड्रग डू टू द बॉडी जब हम कोई ड्रग लेते हैं जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमें यहां पे स्टडी करते हैं फार्मोको में ये ड्रग हमारी बॉडी को क्या करेगा ठीक है ये हमारी बॉडी को क्या करेगा इसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारे बॉडी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल किसी ने एनालिसिक्स में हम बात करेंगे डिक्लोफेनिक तो डिक्लोफेनिक लिया किसी ने डिक्लोफेनिक लिया तो इस डिक्लोफेनिक का क्या इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पे दैट इसल अबाउट फार्मोकोडाइनमिक्स नाउ एन अदर टर्म दैट इज बॉडी रेस्पॉन्स बॉडी रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं फार्मोको काटिक्स क्या कहते हैं इसको अपोजिट टू द जो भी व्हाट डज बॉडी डू जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगा एक ड्रग ड्रग के साथ ड्रग को क्या देगा फॉर एग्जांपल हमने ये एनालिस लिया ड्रग लिया तो हमारी बॉडी वहां से क्या रेस्पॉन्स देगी इस ड्रग को उसको हम बोलते हैं फार्मोको काटिक्स क्या कहते हैं उसको फार्मोको काटिक्स Now one more term that is फॉर्मको विजिलेंस क्या बोलते हैं इसको फॉर्म विजिलेंस तो विजिलेंस टर्म से ही इंडिकेट होता है कि किसी में छानबीन करना किसी में देखना है कि कौन कौन करप्टेड है है क्या कर रहा है. तो इन द सेम वे विजिलेंस में हम क्या देखते हैं इट डील्स विद द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स तो अगर कोई ड्रग है पेनिसिलिन है तो इसमें विजिलेंस होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म विजिलेंस इस ड्रग के इस पेनिसिलिन के सारे साइड इफेक्ट्स देखते बॉडी के ऊपर क्या क्या होंगे क्लियर नाउ वन मोर टर्म दैट इज फार्मोकोपिया फार्मोकोपिया इट इज एन अथॉरिटिव बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स तो हर एक कंट्री में एक अथॉरिटिव बुक होता है थॉरिटिव जनस होते हैं जहां पे ड्रग्स के बारे में दिया होता है इंडिया की बात करेंगे इंडिया का अलग सा एक फार्माकोपिया है जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया जहां पे इंडियन ड्रग्स जो होते हैं उन ड्रग्स का लिस्ट दिया होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे पेंसिलिन तो इस बुक में होते ये अथॉरिटी बुक होते है इसमें पेंसिलिन के रिगार्डिंग सारा प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल इसके रिगार्डिंग यूजेज पेंसिलिन कहां पे यूज करेंगे हम डोजेज ऑल डोजेस जो भी डोज देना होगा एडल्ट के लिए चाइल्ड के लिए सारे डोजेस में मैंशन होंगे फॉर्मूला होगी और स्टोरेज किस तरीके से हमें स्टोर करना है पेंसिलिन को एंड एनालिसिस एंड एज वेल एज प्रेपरेशन किस तरीके से पेंसिलिन को प्रिपेयर किया गया है ये सारा कहां पे प्रेजेंट होता है फार्माकोपिया में हर एक कंट्री को अपना अपना यूनिक फार्माकोपिया होता है जहां पे एक एसोटिव बुक होता है और उस बुक में सारे लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं उन ड्रग्स के रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स प्रिपरेशन फार्मूला स्टोरेज एनालिसिस सारा कुछ प्रेजेंट होता है उसमें क्लियर वन मोर टर्म दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन किया है एज अ रेस्पॉन्स एज अ रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज एंड अन इंटेंडेड अन इंटेंडेड मीनज जिसको हम बोलते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग दिया पेंसिलिन हमने किसी पेशेंट को दिया तो हमने पेंसिलिन इसलिए दिया था पेशेंट को सो दैट पेशेंट को इंफेक्शन से क्या हो जाए इंफेक्शन से क्योर हो जाए इन्फेक्शन से थोड़ा सा बच जाए तो इसलिए हमने उसको पेंसिलिन दिया एंटीबायोटिक दिया लेकिन वहां पे पेंसिलिन ने उसको एलर्जी दिखाई क्या वहां पे पेशेंट को एलर्जी हुई एलर्जी हुई तो इसको हम बोलते हैं नेजिशियस और अनइंटेंडेड जो हमारा मकसद ही नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब भी कोई ड्रग देंगे किसी को अगर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आए एडवर्स रिएक्शन आई तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन वन मोर टर्म दैट इज एग्नोस्ट एग्नोस्ट मींस अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओपाइडस की बात करेंगे ठीक है ना मॉरफीन की बात करेंगे तो अगर किसी पेशेंट को हमने ये दिया या अगर कोई एडिक्ट एडिक्ट है इन, इन, इन सबस्टेंसिस का तो उसने ये दोनों लिए तो उसके ये दोनों कहाँ पे चले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास रिसेप्टर्स होते हैं तो ये ड्रग्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं और वहाँ पे रेस्पॉन्स दिखाते हैं जो इंटेंडेड रेस्पॉन्स होना चाहिए वही रिस्पॉन्स है, है, लेते हैं एंटीबायोटिक्स लेते हैं चाहे एंटीपायरेटिक्स लेते हैं है, 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 तो वहां पर वो ड्रग्स बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ और वहां पर रेस्पॉन्स दिखाते हैं तो वन मोर टर्म दैट इज एंटनास्ट मीन It is against, against to the, against to agonist. Mean is opposite. एगोनास्ट का काम था बाइंड होना किसी रिसेप्टर के साथ वहां पे रेस्पॉन्स स्टूमलेट करना तो ए, ए, ये जो एंटागोनास्ट हैं ये इस चीज को रोकते हैं ये ड्रग्स ये इस चीज को रोकते हैं फॉर एग्जांपल कोई एनालिस्टिक्स लिया हमने कोई एंटीबायोटिक लिया तो एंटागोनास्टिक ड्रग्स क्या करते हैं इन रिसेप्टर्स को इन एनालिस्टिक्स के साथ बाइंड होने में क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं एंटागोनास्टिक ड्रग्स क्लियर वन मोर टर्म दैट इज सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म मीनस जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स देते हैं फॉर एग्जांपल बात करेंगे फोलिक एसिड फोलिक एसिड हम देते हैं प्रेग्नेंट जो मदर होते हैं उनको देते हैं उसके साथ साथ हम उनको देते हैं वाइटामिन सी भी क्या देते हैं वाइटामिन सी भी फोलिक एसिड प्लस वाइटामिन सी हम उन प्रेग्नेंट मदर्स को देते हैं जिनको एनीमिया होगा ठीक है ना तो जब उनको हम फोलिक एसिड देते हैं और उसके साथ साथ हम देते हैं उनको वाइटामिन सी भी बोलते हैं कि आप दोनों ये एक साथ कॉम्बिनेशन में लेना है क्यों देते हैं क्योंकि सिनर्जिज्म हो जाए जो वाइटामिन सी है ये एक इफेक्ट नेस दिखाती है किसका फोलिक एसिड का जो फोलिक एसिड का एक्शन वहां पे करना था जो फोलिक एसिड का काम था एनीमिया को रोकना है अब्सॉर्प्शन होना है फोलिक एसिड को दैट्स व्हाई उसके लिए हम देते हैं विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो जाए इफेक्टिवनेस हो, हो जाए इन ड्रग्स का दैट्स व्हाई उनको हम देते हैं कॉम्बिनेशन में वन मोर टर्म दैट इज पोज़ोलॉजी पोज़ोलॉजी मींस इट डील्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ डोजेज तो पोसोलॉजी मीनस पोसोलॉजी में हम क्या करते हैं सिंपली स्टडी करते हैं डोजेज में जो हमें डोज देना है इसमें सारे डोजेज के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोसोलॉजी वन मोर टर्म दैट इज पेलेबो पैलेसबो आप लोगों ने सुना होगा पेलेसबो पैलेसबो में क्या होता है पेलेसबो में हम इनर्ट डोजे देते हैं क्या देते हैं इनर्ट डोजे देते हैं क्यों देते हैं ये वो डोजेस होते हैं जिनके वजह से कोई बॉडी में इफेक्ट नहीं होगा ठीक है ना इनो डोजेस इसमें हम यूजुअली क्या देते हैं सक्रोज देते हैं या लेक्टोज लैक्टोज टेबलेट देते हैं कोई पेशेंट आता है कोई पेशेंट आता है बार बार डॉक्टर के पास आता है वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है मुझे हेडेक होता है मुझे एंजाइटी होती है बेसिकली वो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके माइंड में ओवर थिंकिंग हैं है उसके कॉगनेटिव में कुछ प्रॉब्लम होती है तो लेकिन वो प्रॉब्लम उसको बेसिकली खुद ही जनरेट होते हैं वहां से खुद ही एग्जिस्ट होते हैं उसके माइंड में, तो डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर उसको इनोट डोजेस देते हैं और उसको देते हैं सेक्रोज टेबलेटस और लैक्टोज टेबलेटस ये एक डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर के डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये मुझे एक एग्जैक्ट मेडिसिन देगा जो मुझे प्रॉब्लम होती है लेकिन डॉक्टर इसको इनर डोजेज ऑफ सक्रोज एंड लैक्टोज देते हैं जो ही वो पेशेंट इनको लेता है तो उसको वो प्रॉब्लम दूर होती है तो उसको हम बोलते हैं पैलेसबो ड्रग्स जिसमें इनोट डोजेज देते हैं ठीक है वन मोर टर्म दैट इज टॉलरेंस वन मोर टर्म दैट इज टॉलरेंस टॉलरेंस को हम कहते हैं जब हमारी बॉडी रेजिस्टेंस यूनिवर्सल रेजिस्टेंस दिखाएगी कोई ड्रग हमने दिया कोई ड्रग एंटीबायोटिक हमने दिया तो एंटीबायोटिक जो ही हमने दिया तो हमने कोई एंटीबायोटिक दिया एंटीबायोटिक दिया तो एंटीबायोटिक का ऑर्डिनरी डोज हमने प्रेस्क्राइब किया एक पेशेंट को लेकिन इस पेशेंट ने एक रेजिस्टेंस दिखाई इस ड्रग के ऊपर क्योंकि इस ड्रग का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी पे ठीक है ना तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस क्या बोलते हैं उसको ड्रग टॉलरेंस वन मोर टर्म दैट इज टेरेटोलॉजी टेरेटोलॉजी मीनस टेरेटोलॉजी वन मोर टर्म दैट इज टेरेटोलॉजी टेराटोलॉजी टेराटोलॉजी मीनज इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं हारम फुल हार्म फुल इफेक्ट ऑफ हार्मुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन फीटस और वी कैन से एम्ब्रियो जो एक एम्ब्रियो और फीटस ने उस गेस्टेशन uh, के टाइम पीरियड uh, में कोई ड्रग लिया उस ड्रग का हार्मफुल इफेक्ट उसके फीटस पे होता है उसके एम्ब्रियो uh, पे होता है उस स्टडी को हम कहते हैं टेरेटोलॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मकोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड टर्म टर्मिनोलॉजी सम डेफिनीशनज़ जो हमारे फार्मोको सब्जेक्ट में हैं सो so, इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मोको एंड फार्मोको कैनेटिक्स थैंक यू